सुनहरा मौका समस्त प्रदेशवासियों के प्रत्याशियों के लिए, समस्त मतदाताओं पर वॉइस कॉल अथवा टेक्स्ट मैसेज कर आपकी पार्टी के लिए मतदान करने की अपील हम करेंगे। 1,00,000 वॉइस कॉल मैसेज मात्र 18,000 रुपए में। यह सुविधा हमारे JNI पैनल पर उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर शीघ्र ही संपर्क करें। सिर्फ तेजी नहीं सच भी। नमस्कार, मैं हूं वात्सल्य त्रिपाठी और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। खबर कौशाम्बी से आ रही है, जिसमें कौशाम्बी के मूरतगंज ब्लॉक के सखाड़ा में हुई 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जनसभा में जब जनता नहीं पहुंची तो भाजपाइयों ने एक बार फिर भीड़ जुटाने के लिए गांव की गरीब महिलाओं को झूठा प्रलोभन दिया और कहा कार्यक्रम में कंबल बटेगा। इस बहाने उनका नाम नोट किया गया और आधार कार्ड भी लिया गया। कंबल दिलाने के बहाने बसों में बैठा करके कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। हल्की फुल्की बरसात में ठंड में ठुठरती बेचारी महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची, लेकिन कार्यक्रम होने के बाद जब उन्हें कंबल वितरण की बात झूठी लगी तो महिलाएँ काफ़ी नाराज हुईं। लेकिन क्या कर सकती हैं बेचारी महिलाएँ, इन जुमलेबाज नेताओं की बातों से ठगी रह गईं। भाजपाइयों की तो अक्सर झूठ बोलकर भीड़ जुटाने की आदत है, जनता को परेशान करके रखते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता इन जुमलेबाजों और झूठे नेताओं से कैसे निपटेगी, यह बातें चर्चा में हैं। फिलहाल कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि ने 2,658 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण कर जनपद वासियों को एक नई सौगात दे गई। कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार की एक खास रिपोर्ट, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। सुनहरा मौका समस्त प्रदेशवासियों के प्रत्याशियों के लिए, समस्त मतदाताओं पर वॉइस कॉल अथवा टेक्स्ट मैसेज कर आपकी पार्टी के लिए मतदान करने की अपील हम करेंगे। 1,00,000 वॉइस कॉल मैसेज मात्र 18,000 रुपए में। यह सुविधा हमारे JNI पैनल पर उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर शीघ्र ही संपर्क करें।